अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ठीक होती तो तुम मुझसे शादी करते ना? मैं एक छोटी सी बच्ची को लेकर जब तुम्हारे दरवाजे आई थी तो वो एक तुम ही थी जिसने मुझे छत दी थी। आज अगर वो छत देने वाली इस घर में नहीं रहेगी तो मुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। सौम्या श्रीवास्तव के नाम के आगे जी लगा रहे हो क्यों? उससे रिश्तेदारी जोड़नी है? Now, come on, विश्वास, अब सोचना क्या? बस दिल लगाकर प्रोजेक्ट पूरा कर देंगे। And I'm sure, ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को बहुत ही शोहरत दिलवाएगा। Sir, may I? Yeah, come in, sir. तो साइट से फोन आया था, मजदूरों ने काम रोक दिया है। What? लेकिन क्यों? सर कोई रीजन नहीं बता रहा। मेरी यूनियन लीडर गणपत से बात हुई, वो कहता है ये फैसला मजदूरों का है, तो वो बात कर कर बताएगा। ऐसे कैसे काम रोक दिया? काम रोकने के पीछे कोई रीजन होना चाहिए। मैं जाकर देखता हूँ। नहीं सर मत जाइए, मुझे पता लगा है कि मजदूर अभी बहुत गुस्से में है। लेकिन पता तो चले कि मजदूर आखिर गुस्से में क्यों है, क्योंकि जब तक रीजन पता नहीं चलेगा तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे? सर आप कहे तो गणपत से बात करवा दूं आपकी। नहीं आप, तुम जाओ, मैं गणपत से बात करता हूँ। थैंक यू। हाँ सेठ। हाँ गणपत, क्या हुआ? मजदूरों के कुछ मांगे थी। अभी तो काम शुरू हुआ है और पहले सारी बात हो चुकी है। हाँ हाँ, जो बात हुई थी वो हुई थी, बाकी जब मजदूर काम पर आए तो पता लगा कि जो काम बताया था उससे ज्यादा काम है, तो मजदूर बढ़ाना पड़ेगा और जो पगार है पगार डबल करना पड़ेगा। ठीक है सेठ, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सब मजदूर इंश्योरेंस कराने को बोलता है। ये सारी बातें पहले क्यों नहीं हुई? ये बात तो तुम उस कंपनी को करो ना जिसको तुमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। पर जब तक मजदूरों की शर्त पूरी नहीं होगी तब तक अपन काम स्टार्ट नहीं करेगा। यार ठीक है, मैं केके एंटरप्राइजेस वालों से बात करूंगा। अभी कोई कुछ भी बोले काम स्टार्ट नहीं होएगा। आज काम बंद किया है और अपन बोले तो नोटिस दिया है। सुनो सेठ, अगर 24 घंटे में फैसला नहीं किया तो सब हड़ताल पे जाएंगे, और अगर हड़ताल पे जाएंगे तो फिर मजदूरों की मांग बढ़ेगी, और अगर हड़ताल होगी तो मजदूरों की मांग बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो खाली पीली सर अपने प्रोजेक्ट में लोचा, और प्रोजेक्ट में लोचा बोले तो 2 रुपए पैसे बचाने के चक्कर में 200 रुपए रोज खर्चा करना पड़ेगा। गणपत तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ओ सेठ, अभी तो सिर्फ मैं बोलता है, धमकी जो होती ना वो मैं कल देगा। ए तमीज से बात करो। अपने तमीज का कमीज पहनाने से अच्छा है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो सेठ। लेकिन 2 दिन में क्या प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा? अरे वाह सेठ, और तुम्हारा शॉर्ट मेमोरी है, तुमको बताया ना प्रॉब्लम। देखो गणपत, मुझे ये सब बहाने लग रहे हैं, बात कुछ और है। तो एक छोटा सा काम करो, प्रॉब्लम को पता करो, और जब तक प्रॉब्लम का पता नहीं चले तो उसको हल करते चलो और फिर हमें बताओ। पर जब तक काम स्टार्ट नहीं हो, मतलब ये सब कुछ तुम्हारा क्रिएट किया हुआ? देखो तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, मतलब सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम इतने सारे मजदूरों को भूखा मारना चाहते हो? ओ साहेब, एक बात अच्छे से सुन लो, अरे 2 दिन काम बंद होने से या 2 दिन काम चालू होने से या 2 साल तक काम चलने से या बंद रहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? हम तुम्हारे आस पर नहीं है और मुझसे जास्ती बात नहीं करने का अभी। और सेठ एक मेरी छोटी सी बात जो आपको बहुत बड़ी लगी, बोलू क्या साहब? काम बंद तो कंपनी भी बंद। लीडर मुझे धमकी दे रहा है, चैलेंज कर रहा है। आई थिंक ये सबके पीछे कुछ और बात है। या विश्वास, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जो डिमांड्स
वो कर रहा है वो हम सॉल्व नहीं कर सकते, और अगर हमने उनकी सारी डिमांड सॉल्व कर दी तो इसका मतलब तो यही है कि डे वन से लॉस। और दूसरी बात, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात कम और काम बंद करने की बात ज्यादा कर रहा है। गड़बड़ विश्वास, तुम सच का पता लगाओ। सर हमें जो कुछ भी करना होगा जल्दी से करना, वरना डे बाय डे हमारा लॉस बढ़ता जाए। सौम्य श्रीवास्तव, मेरी जीत हुई है। तेरा बिजनेस भी बर्बाद होने की कगार पे है और तेरा घर भी। हाँ बोलो करिश्मा। तुम्हें कैसे पता मेरा फोन है जबकि मेरा नंबर शो भी नहीं करता? पता है प्राइवेट नंबर होता है, और मुझे तुम्हारे सिवा प्राइवेट नंबर से कोई कॉल नहीं करता। बहुत होशियार हो तुम। थैंक यू। होशियार हो तभी होश में रहते हो, वरना मेरी बातें सुनकर तो तुम कब के बेहोश हो गए होते। बिल्कुल। तुम्हें कुछ खबर मिली आसमान? कौन सी खबर? मिस्टर सौम्य श्रीवास्तव ने आस्था को US भेजने के लिए छूटा हार्ट अटैक का नाटक किया था। तुम सच कह रही हो करिश्मा? एकदम सच कह रही हूँ। उस घर में मातम हो रहा है और तुम्हें झटका नहीं लगा? मुझे शक था करिश्मा, मैं कार्डियोलॉजिस्ट, अंकल मुझसे मिलना नहीं चाहते थे, और कभी भी कार्डियक अरेस्ट पेशेंट को घर पर नहीं रखा जाता है, उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और वो पता नहीं किसी डॉक्टर की बात कर रहे थे। उस डॉक्टर को मैं तो नहीं जानता, तभी मुझे इस बात पर शक हुआ था। तो तुमने कहा क्यों नहीं? करिश्मा मैं आस्था की नजर में पहले से ही नेगेटिव बन चुका था, अगर कुछ कहता तो और बुरा बन जाता, इसलिए चुप रहना पड़ा। ये तो बहुत गलत बात है, बेचारी आस्था को पता चलेगा ना तो उसको बहुत बुरा लगेगा। यही सोचने वाली बात है करिश्मा। अच्छा तुम घर पर ही हो ना? नहीं मैं अभी बाहर हूँ, बस अभी घर जा रही हूँ। मैं तुम्हें घर पहुँच के फोन करती हूँ, तब तुम मुझसे मिलने आ जाना। करिश्मा मैं वादा तो नहीं कर सकता, मैं भी इनफैक्ट हॉस्पिटल जा रहा हूँ, एक जरूरी ऑपरेशन। अगर जल्दी फ्री हो गया तो आ जाऊँगा, वरना मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। ओके चलो। ओके बाय। बाय। समझ में नहीं आ रहा सर कि अब होगा क्या। विश्वास आई एम श्योर ये किसी की चाल है, बस एक बार मुझे उसका पता चल जाए ऐसा जवाब दूंगा उसे कि उसकी जिंदगी खुद एक सवाल बन गई, और मरते दम तक मेरे उस सवाल का वो जवाब ढूंढते रहे। आपको किसी पर शक है? विश्वास में शक नहीं करता, एक बार मुझे यकीन हो गया तो खुद ब खुद मैं उसे तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। लेकिन सर अगर ये हड़ताल खत्म नहीं हुई तो हम लोग रोड पर आ जाएंगे। मैं अब भी तुम्हें कह रहा हूं कि अगर तुम्हें डर लग रहा है इसी मोड़ से वापस लौट जाओ। What I mean is कि ये पार्टनरशिप तोड़, क्योंकि जिंदगी में पीछे हटना मैंने तो नहीं सीखा, मेरा टारगेट मेरी मंजिल, और इसीलिए मैं हमेशा वन वे वाला रास्ता पसंद करता हूं ताकि वापस लौटने का ख्याल ना आए। सर, बोलो। सर एक बैड न्यूज है। बैड न्यूज अगेन बैड न्यूज, कम ऑन बताओ।
बताओ ये बैड न्यूज भी बता दो ताकि सारे झटके एक साथ बर्दाश्त करें। सर हमारे गोडाउन पर रेड पड़ गई है। What? लेकिन क्यों? सर किसी ने कंप्लेन की है कि हम फ्लाईओवर बनाने के लिए मिलावटी सीमेंट का यूज कर रहे हैं। You may go now. कुछ ठीक नहीं होगा आसमान, कुछ भी ठीक नहीं होगा। भरोसा टूट गया है मेरा, अब तो इस घर में रहने का मन भी नहीं होता, लगता है कहां चली जाऊं। नहीं आंटी, ऐसा मत कहिए, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, इसका भी होगा। अब तो चाहे जो हो जाए, स्वामी पर विश्वास कर ही नहीं सकती। ये घर कभी अपना सा था, पर आज ऐसा लगता है कि जैसे दूसरे ही घर में आ गई। मेरे ही घर में मेरे साथ में विश्वासघात किया है, पर इसकी सजा तुम्हें क्यों मिले? मुझे? हाँ, स्वामी को खुश करने के लिए मैंने ही आस्था को तुमसे दूर कर दिया था, और आस्था ने भी अपने पिता की खुशी के लिए तुमसे नाता तोड़ लिया था। कोई बात नहीं आंटी, आपने जो कुछ भी किया वो जानबूझकर तो नहीं किया ना, लेकिन मैं इतना जानता हूं जीत हमेशा सच्चाई की होती। हाँ बेटा, पर अब ये नहीं समझ पा रही हूं कि आस्था को कैसे बताऊं और वो ये सुनकर कैसे रिएक्ट करेगी, क्या गुजरेगी उसके ऊपर। आंटी मैं तो आपसे कहूंगा कि आस्था वहां यूएस में अकेली है, इसलिए आप उसे ये सब बातें मत बताइए। अगर आप कहेंगी तो मैं यूएस जाकर उसे ले आता हूँ। नहीं नहीं बेटा, उसका यहाँ आना ठीक नहीं है, वो अगर यहाँ आएगी तो उसका करियर चौपट उठ जाएगा। तो फिर क्या करेंगी आप? सब कुछ हालात पर छोड़ दो, ऊपर वाला सब अच्छा ही करेगा। मैं तो इतना जानती हूँ, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। इंसान धोखा देते हैं, पर भगवान नहीं, बस सब उसी का ही भरोसा है। मैं जिंदगी में एक सबक सीखा कि जब सारी दुनिया भाग रही हो तो तुम खड़े रहकर तमाशा देखो, इससे तजुर्बा मिलता है, ये पता चलता है कि कौन क्यों भाग रहा है, किसकी रफ्तार कितनी, कौन और क्यों थक कर गिर रहा है और कौन हार कर रहा है। बस इसके बाद तुम्हें अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दौड़ने की भागने की जरूरत नहीं होगी, तुम अपनी रफ्तार से बड़े आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ। और विश्वास यही बिजनेस की फिलॉसफी है जो हर कोई नहीं समझता, और इसीलिए कहता हूं भरोसा रखो मुझ पर, जीत हमारी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? यहां हालत खराब हो रही है और आप कह रहे चिंता मत करो, इस वक्त कुछ भी हो सकता है। सर शर्मा जी कह रहे थे कि हमें पुलिस भी अरेस्ट कर सकती है, बिजनेस तो बर्बाद हो ही गया, और अगर पुलिस ने हमें अरेस्ट कर लिया तो बदनामी अलग होगी और उसका असर हमारे दूसरे बिजनेस पे पड़ेगा। सर प्लीज कुछ कीजिए प्लीज। विश्वास लग रहा है कि तुमने बिजनेस डिप्लोमा लेकर सीधे बिजनेस शुरू कर दिया, तजुर्बा नहीं, क्योंकि ऐसे हालात में तजुर्बेकार कामयाब बिजनेसमैन शांति से बैठकर आगे की प्लानिंग करता है। कैसी प्लानिंग? यही कि जेल में कैसे रहेंगे, इस चीज की प्लानिंग। आप हंस रहे हैं? भाई चलो विश्वास मान लिया कि पुलिस आ भी गई, जेल में जाओ, किसी भी जगह पर तुम्हारा नाम नहीं आया। ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स पर तो मेरे ही साइड है। मगर मिस्टर श्रीवास्तव, विश्वास तुम्हारा नाम विश्वास है और तुम्हें अपने आप पर तो विश्वास है, लेकिन औरों पर तो विश्वास करना सीखो। तो आप क्या सोचा है?
छोड़ मेरे विश्वास, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि जहां लोग सोचना बंद कर देंगे वहां से सौ में श्रीवास्तव सोचना शुरू करना। यार प्रतिष्ठा, हम यहाँ किसका वेट कर रहे हैं? आसमान का। क्यों, कोई खास वजह? तुम इतना बेचैन क्यों हो रहे हो? कुछ काम है क्या, या किसी से मिलने जाना है? अरे पता तो चले हम लोग यहाँ किस लिए बैठे हैं। मेरा कोई तो कंट्रीब्यूशन बने, वरना तुम दोनों आपस में बात करते रहोगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा और मैं तुम लोग का मुंह देखता रह जाऊंगा। हाँ तो ठीक है, मैं यही चाहती हूँ, तुम हमारा मुंह देखते रहो। अब चुपचाप वेट करो। ठीक है, आज तक तुम्हारी सारी बातें तो सुनता ही आया हूँ, आज भी सुन लूंगा। सुननी ही पड़ेगी, वो हमारा दोस्त है, और जब से आस्था गई है उसने आसमान के फोन कॉल का एक बार भी रिप्लाई नहीं किया। आसमान भी अपने काम में उलझा रहा और मैंने भी उसे पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज जब उसने खुद सामने से फोन करके मिलने के लिए बुलाया है तो मैं कैसे मना कर देती? रीजन पूछते हुए अच्छा लगता है क्या? लेकिन फोन पे वो क्या कह रहा था? कुछ खास नहीं, बस कुछ बात करनी है इसलिए मिलने के लिए बुलाया। हाँ हाँ, अब तुमसे क्या बात करनी होगी? उसे बात तो उसे आस्था के बारे में करनी होगी। ओफो, कितने सवाल करते हो तुम, इतने परेशान क्यों हो? देखो वेट करना है तो करो, वरना जाओ, मैं अकेले मिल लूंगी आसमान से। यार मैं यहाँ बैठे बैठे करूँ भी तो क्या करूँ, तब से ये सब बातचीत करके मैं टाइम पास कर रहा हूँ। अब क्या हम दोनों एक दूसरे का मुंह देखेंगे? तो कुछ भी बोलते रहोगे तुम। तो एक काम करते, वहां पास में एक भेल वाला है, मैं वहां जाकर भेल लेके आता हूँ, ठीक है? क्यों? यहाँ चुपचाप खड़े होकर वेट करने में प्रॉब्लम है? अरे यार मैं तो बोर हो रहा हूँ ना। तो कहा ना, जाओ, मैंने कौन सा रोका है तुम्हें, मैं मिल लूंगी आसमान से। अरे तुमको छोड़कर जाना भी अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा चलो हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं। मुझे नहीं खेलनी अंताक्षरी। अरे गुस्सा क्यों होती हो, अंताक्षरी नहीं खेली तो मैं तुम्हारे गाना गाऊं? हाँ गाना गाऊं मैं? दिल कह क्या राज है, I love you प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, I love you प्रतिष्ठा। बात करो, कितना बकवास गा रहे हो, गाना भी नहीं आता तुम्हें। अरे यार इतना अच्छा तो गाना गाया, उसमें भी तुमने मेरी इतनी बड़ी इंसल्ट कर दी। सुना कितना अच्छा गाया। रहने दो, तुम्हें तो मेरी इज्जत ही नहीं है, तुम्हें जब देखो मेरी इंसल्ट कर देनी होती है। आज इतना गंदा गाना सुनाओगे ना, कोई भी इंसल्ट करेगा तुम्हारी। तो मैं क्या दूसरा गाना गाऊं? प्लीज आप कुछ मत गाना। आसमान आ गया। सॉरी, तुम लोगों को मेरी वजह से वेट करना पड़ा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरी तो आदत है, इसका मुझे पता नहीं। निशांत, बी सीरियस। हाँ बोलो आसमान। वो एक्चुअली रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ होती है, शोर होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ बुला लिया। बिल्कुल ठीक किया प्रतिष्ठा, वैसे भी बात बहुत सीरियस है। क्या बात है प्रतिष्ठा? मैं भूमिका आंटी से मिला, उन्होंने अंकल के बारे में जो बताया सुनकर बहुत अफसोस हुआ। तुम लोगों को तो पता होगा ना अंकल के झूठे हार्ट अटैक के बारे में। हाँ अच्छे से पता है। तुम्हें अभी पता चला? हाँ यार, तुम लोग मुझे अपना दोस्त समझते हो, कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था। आसमान, हम बताते भी तो कैसे बताते, बताते हुए भी अजीब लग रहा था। और अगर हम तुम्हें बताते तो शायद तुम हमारा यकीन ही नहीं करते। यकीन करता प्रतिष्ठा, क्योंकि मुझे पहले से ही शक था। मैं डॉक्टर हूँ, मैं पेशेंट के चेहरे को देखकर ही पहचान जाता हूँ कि उसकी कंडीशन क्या है।
अंकल मुझसे मिलना नहीं चाहते थे। उसी वक्त मुझे उन पर शक हुआ, लेकिन अगर ये बात मैं तब कह देता तो सबको लगता कि मैं अपनी दुश्मनी निकाल रहा हूँ। आस्था मुझसे वैसे ही नाराज थी। अगर ये बात मैं तब बताता तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करती है। हाँ आसमान, जब हमने सुना तो हमें भी यकीन नहीं आया, मगर सच तो सच है ना। प्रतिष्ठा, मैं जानता था कि सच्चाई एक ना एक दिन सामने जरूर आएगी। झूठ की ताकत ज्यादा होती है, मगर सच की उम्र ज्यादा, इसलिए झूठ जल्दी दम तोड़ देता है। तुम कुछ बात करना चाहते थे आसमान? प्रतिष्ठा, मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि तुम आंटी से कहकर आस्था को वापस बुला लो। ये नहीं हो सकता, वो यहाँ आएगी तो बहुत दुखी होगी। लेकिन प्रतिष्ठा, ये सच हम उससे कब तक छुपाएंगे? अगर ये बात उसे कहीं और से पता चल गई तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी, ये सोचा है तुमने? मैं समझती हूँ आसमान, तुम्हें आस्था की चिंता है, मगर इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकती। जो भी फैसला करेंगी मासी करेंगे। एक बात है आसमान, आस्था ने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, फिर भी आज तक तुम्हारे दिल में उसके लिए उतनी ही मोहब्बत। क्या करूं यार, कोशिश तो बहुत की कि मैं उसे भूल जाऊं, मगर दिमाग तो मानने को तैयार है, लेकिन कमबख्त ये दिल नहीं मानता। वैसे आज का दिल करिश्मा के लिए धड़क रहा है ना? निशांत, कहीं भी कुछ भी बोल देते हो। इट्स ओके प्रतिष्ठा, वैसे लोगों का सोचना भी सही है। सॉरी आसमान, मैं तो बस जोक कर रहा था, प्लीज बुरा मत मानना। इट्स ओके निशांत, इसमें बुरा किस बात का मानना, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि करिश्मा बीमार रहती है और उसे कभी भी मेरी जरूरत पड़ सकती है। मैं बस अपना फर्ज निभा रहा हूँ, निभाता हूँ और निभाता रहूँगा। आसमान, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम आस्था को सच्चाई बताओगे और उसे यहाँ बुला लोगे। जो भी फैसला करेंगी मासी करेंगी। तुम आस्था को कुछ भी मत बताना, वरना तुम मासी के सामने बुरे बन जाओगे। जहां तक हम जानते हैं कि सौम्य श्रीवास्तव बिजनेसमैन से पहले एक जिद्दी इंसान है, और कहते हैं ना कि जिद्दी इंसान के आगे तो राक्षस भी भाग जाता है। ब्रज बिहारी, वक्त से बड़ा राक्षस और वक्त से बड़ा फरिश्ता कोई नहीं होता। जब इंसान का वक्त बुरा होता है ना, तो वही वक्त राक्षस बन जाता है, और वही वक्त इंसान के लिए फरिश्ता बन जाता है जब वो इस इंसान की किस्मत चमका देता है।